पुलिस अधीक्षक वारा राजकुमार चौधरी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय जयपुर एवं बारा पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों, अवैध हथियार एवं अवैध शराब इत्यादि की रोकथाम हेतु अभियान चलाकर कार्यवाही के सभी थानाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। अभियान को सफल बनाने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बारा जीनेन्द्र कुमार जैन के सुपरविजन, सोजीलाल मीणा पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस वृत्ताधिकारी अट्रू के निर्देशन में मान सिंह थानाधिकारी कवाई के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थ, अवैध गतिविधि, अवैध हथियार इत्यादि की रोकथाम हेतु विशेष टीम का गठन किया गया। थानाधिकारी को सूचना मिली कि एक व्यक्ति ग्राम मुंडला के हनुमान मंदिर के पास रोड पर अपने दाहिने हाथ में एक देसी कट्टा लहराकर जनता में भय व्याप्त कर ग्राम मुंडला व उमर थाना में अपना वर्चस्व बनाने के लिए गाँव के लोगों के पास में आने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था, जो पुलिस को देखकर और ज्यादा उत्तेजित होकर पुलिस के बढ़ने पर गोली चलाने की धमकी देने लगा। हमराही जाब्ते में से पर्वत सिंह कानी 816 ने अपनी जान की बाजी लगाकर हनुमान मंदिर पर पीछे से अपने आप को छिपाकर पलक झपकते ही डिटेन शुदा व्यक्ति को लोड देसी कट्टा 315 बोर सहित गिरफ्तार कर लिया। कोई किसी की औकात नहीं है मुझे गिरफ्तार करने। मैं मेरा ले पकड़, इसको पकड़, स्वतंत्र मोबाइल पकड़, 14 तारीख के बजे मोबाइल पकड़, कल बयान गाऊंगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।